आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए बहुत ही असरदार, सरल और जबरदस्त खुद पे आजमाया हुआ तीन तरह के घरेलू उपाय बता रही हूँ, जिसके रोज इस्तेमाल से आपका अनिद्रा, कैल्शियम की कमी, शरीर में कमजोरी, थकान, जोड़ों में दर्द, सालों पुराना बदन दर्द, अकड़न, सारा प्रॉब्लम दूर कर देगा और आप हमेशा चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। सालों तक बदन में कैल्शियम की कमी नहीं होगी और आपकी हड्डी मजबूत होगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का घर का जायका चैनल में स्वागत है। पहले उपाय के लिए सबसे पहले एक बर्तन चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे पीने का पानी एक ग्लास। पानी को हमें गुनगुना करना है, यानी हल्का गर्म करना है। तो बहुत ही सरल उपाय मैं ये आपको बता रही हूँ। आप इसे सुबह शाम ले सकते हैं या फिर सुबह खाली पेट ले सकते हैं। एक ग्लास पानी में हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच काला नमक, यानी ब्लैक सॉल्ट। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप ओरिजिनल काला नमक का इस्तेमाल करें, जो ढेले वाला आता है ना दोस्तों, इस तरीके का पत्थर का, उसको आप चूर करके मिक्सी में पीस के इस्तेमाल करें। तो वैसे तो काला नमक पाउडर ही हम घर में रखते हैं, तो अगर ना मिले तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी हो गया है गरम, चूल्हे को बंद कर दे और बंद करने के बाद इसमें डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच काला नमक। सिर्फ काला नमक ही डालना है हमें और इसके अलावा कोई नमक ना डाले, मिला ले। तो आपको इसे सुबह खाली पेट लेना है, इसमें नींबू या और कुछ भूल के भी ना डालें, इसे ऐसे ही पीजिए। इसके पीने से आपको गले में अगर दर्द है वो भी दूर होगा, पेट में गैस है या फिर आपको सही तरीके से मॉर्निंग में शौच नहीं आता है तो वो भी आएगा और शरीर का गैस निकल जाएगा और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप इस काले नमक के गर्म पानी को सुबह शाम ले सकते हैं या फिर एक टाइम ले सकते हैं, तो खाली पेट ही आपको लेना है। तो इसके नियमित इस्तेमाल से आपको एक हफ्ते 10 दिन में फर्क लगने लगेगा। आपका फूला हुआ पेट अंदर चला जाएगा और शरीर का सारा दर्द, थकान निकाल देगा। तो बहुत ही सरल उपाय है, इस उपाय को जरूर करें। सेकंड रेमेडी बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ml दूध। सबसे पहले एक बर्तन चढ़ाए, उसमें डाले एक ग्लास दूध। अब दूध में डाल दीजिए 4 चम्मच पानी। पानी हमने इसलिए डाला क्योंकि हमें दूध को 5 मिनट के लिए उबालना है। पानी डाला ताकि उबलते उबलते वो बराबर मात्रा में आ जाए। तो दूध हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, कैल्शियम से भरपूर होता है और दूध के फायदे हर कोई जानते हैं। तो दूध हम जब गर्म करते हैं तो इसी तरीके से पी लेते हैं और फिर सोचते हैं कि रोज दूध ले रहे फिर भी हमारी हड्डी कमजोर है। तो जो मैं इसमें साधारण सी चीज डालने वाली हूँ वो हर रसोई घर में मिल जाएगी। और अगर आप इस तरीके से दूध का सेवन करते हैं तो आपके जोड़ों में दर्द कभी भी नहीं होगा, धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा। तो पहला चीज हम डालेंगे एक टुकड़ा दालचीनी का, दालचीनी मींस सिनेमम, तो बहुत ही आसानी से आपको बंसारी की दुकान में मिल जाएगा और किचन में तो रहता ही है। तो हमें दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, एक टुकड़ा हमें दालचीनी का स्टिक लकड़ी ही लेना है और इस तरीके से हाथों से तोड़ के डालना है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक। तो दूध अदरक हम कभी नहीं पीते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से दूध में डाल के अदरक और दालचीनी का सेवन करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त औषधि तैयार होती है और बहुत ही फ्लेवरफुल रहता है। तो मैंने 1 इंच अदरक को छील करके धो के कद्दूकस कर लिया है। अदरक हम डाल देते हैं, अदरक के फायदे हर कोई जानते हैं। इसमें मैं जो भी चीज डाल रही हूँ इससे आपको नींद बहुत ही बढ़िया आएगी, तो गरम गरम आप इससे रात में ही लेके पिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सौंफ। तो सौंफ शरीर को ठंडक रखता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और पाचन क्रिया में बहुत मददगार है। तो हम सौंफ खाते हैं, लेकिन जब दूध में डाल के सौंफ का सेवन कीजिएगा तो बहुत ही चमत्कारी औषधि बन के तैयार होगी। तो 1 टेबलस्पून मैंने सौंफ लिया है, यानी फेनल सीड, और इसे मैंने देखिए खल में कूट लिया। मैंने इसमें सौंफ कूट के डाल दिया, हमें कूटे हुए सौंफ डाल देना है। और अब आप इसमें मिठास के लिए डाल सकते हैं मिश्री। तो मिश्री जो एक डाली वाला आता है दोस्तों, वो ओरिजिनल होता है, उसी का इस्तेमाल करें, या बिना मिश्री का भी आप पी सकते हैं। या आप दूध को छानने के बाद ऊपर से 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं। तो शहद और गर्म दूध पीने से भी बहुत ही मीठी नींद आती है, आपका दिमाग शांत हो जाएगा और सुबह तरोताजा महसूस करेंगे और नियमित इस्तेमाल से हड्डी
के दर्द, जोड़ों का दर्द सब दूर हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। तो आखिरी सामग्री हम इसमें डालने वाले हैं एक हरी इलायची। इलायची आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा साइज का है, अगर छोटा इलायची आप डाल रहे हैं तो दो भी डाल सकते हैं। हम इस तरीके से इलायची को खोलते हुए डालेंगे, यानी ग्रीन कार्डमम हमें एक डालना है। तो इलायची डालने से भी नींद बहुत ही अच्छी आती है। इस तरीके से ढकते हुए 5 मिनट के लिए उबालना है। तो देखिए 5 मिनट तक हमने उबाल लिया है और दूध का मात्रा भी कम हो चुका है, सारे फ्लेवर सारा अर्क आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा ये दूध। अगर आप एक बार रात में पीते हैं तो रोज इसी तरीके से बना के पियेंगे और इसके फायदे तो मैं बता ही चुकी हूँ। तो आप गरम गरम दूध को ग्लास में छान लीजिए। तो दूध को हमने छान लिया है और जैसा मैंने कहा कि आप ऊपर से शहद डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं या ऐसे भी पी सकते हैं। तो नसों की ब्लॉकेज और जॉइंट पेन आपका ख़त्म हो जाएगा अगर आप इसका नियमितता इस्तेमाल करते हैं। अब थर्ड रेमेडी बनाने के लिए फिर से बर्तन चढ़ाइए, उसमें डालिए आधा छोटी चम्मच देसी घी। अगर आपका वजन कम है और आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तभी घी डालें, अगर आप वजन बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो घी का सेवन ना करें। अब घी में डालिए 1 टेबलस्पून पॉपी सीड, जिसे हम खसखस भी बोलते हैं हिंदी में, और इसका एक और नाम है पोस्ता दाना। फ्लेम को कम कर दीजिए और 1 टेबलस्पून हम डालते हैं घी में और इस तरीके से डालना है और हमें हल्का सा लो फ्लेम पे करीब 30 सेकंड तक रोस्ट कर लेना। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो बिना घी का आप इसे रोस्ट कर ले। तो हर कोई जानता है खसखस के फायदे, खसखस में बहुत कुछ पाया जाता है लेकिन कैल्शियम और ओमेगा 3 इसमें पाया जाता है। ओमेगा 3 हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और बहुत ही कम चीज़ों में पाया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे खसखस का इस्तेमाल कर रही हूँ और भी इसके बहुत फ़ायदे हैं। अब इसमें डाल दीजिए करीब 10 से 12 मखाने। मखाने आपको कोई भी ड्राई फ्रूट्स की दुकान में मिल जाएंगे, इसे इंग्लिश में कहते हैं लोटस सीड। बहुत ही ज़्यादा फायदा है, कैल्शियम से भरपूर है ये दोनों। तो आपको 10 से 15 मखाने लेने हैं और इस तरीके से हमें डाल देना है। मखाना डालते के साथ इसमें डाल दीजिए फिर से 1 ग्लास दूध, यानी 1 कप दूध। अब हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फिर से हम दूध गाढ़ा बहुत ज़्यादा ना हो इसलिए यहाँ पे 4 चम्मच यानी 1/4 कप पानी डालें। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध हो जाता है तो बहुतों को पचने में दिक्कत होता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से रोज पीते हैं तो आपको अनिंद्रा की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी और आपका पेट भी बहुत ही अच्छे से साफ रहेगा और आपका 5 साल 10 साल पुराना जो भी दर्द है शरीर का, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आप महसूस कीजिएगा कि धीरे धीरे जाने लगा है। तो देखिए दूध में उबाल आने लगा है, अब हम फ्लेम को कम कर देंगे और इसी तरीके से लो फ्लेम पे हम 5 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि पोस्ता दाना और मखाने अच्छे से पक जाए, फूल जाए और सारा अर्क आ जाए। तो आपको ये उपाय कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको नाश्ते से पहले या फिर रात में लेना, एक टाइम लेना है, सुबह खाली पेट या फिर रात के टाइम, और जब ये बन जाएगा तो ऊपर से आप इसमें मिश्री डाल सकते हैं या फिर शहद डाल सकते हैं। तो हमने जो पहला रेमेडी काला नमक और गर्म पानी का बताया वो तो आपको नियमितता रोज करना है और उसके साथ आपको नंबर 2 या नंबर 3 यानी ये वाला और इससे पहले जो मैंने दालचीनी और अदरक सौंफ का बताया, ये दोनों में से कोई एक रेमेडी आप रोज करें और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि कितना आपको फ़ायदा हुआ। और इस विधि को हर कोई कर सकता है, गर्भवती महिला ना करें और अगर करना चाहती हैं तो सिर्फ मखाने दूध का इस्तेमाल करें, खसखस का इस्तेमाल ना करें। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, महिलाओं हो, इसका सेवन आप कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताइएगा और अच्छी लगी तो प्लीज़ घर का जाकर चैनल को इसी तरीके से
सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाती रहूं। 5 मिनट हो चुका है, फ्लेम बंद कर दें और अब हम इस पौष्टिक से भरे दूध को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत ही आपको स्वादिष्ट लगेगा, तो आप इसका सेवन रोज कर सकते हैं एक टाइम। मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।